खबर है, 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, टेबल भी सामने आ चुका है। 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये टाइम टेबल जारी किया है 10वीं और 12वीं का। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही बोर्ड परीक्षा 2023 से जुड़ी। बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर सरकार की तरफ से अभी भी कर दिया है सबसे बड़ा ऐलान। जी आपसे बता दें, काफी लंबे वक्त से सभी छात्रों इंतजार था कि इस बार हमारी बोर्ड की परीक्षा कब से आयोजित की जाएगी और कब से हमारी परीक्षा का है वो टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। फाइनली इसको लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और बोर्ड परीक्षा 2023 का टाइम टेबल भी सरकार की तरफ से जारी हो चुका है। आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी बोर्ड से स्टूडेंट हो तो आप तमाम साथ जुड़िए। सबसे बड़ी और अहम खबर निकल के इस वक्त की सामने आ रही है, जिसकी संपूर्ण जानकारी और अपडेट हम जाने वाले इस वीडियो में तुर्क के साथ में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप अपने राज्य और बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके बोर्ड से जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तो पहुंच जाएगी। देखिए हमारे छोटी सी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी खबर। जी आपसे बता दें, सरकार काफी लंबे वक्त से बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर चिंतित थी कि इस बार हम बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कब से इसकी डेट डिक्लेयर करें। ऐसे में छात्र भी संकट में थे कि इस बार बोर्ड की परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। ये स्थिति तब बनी जब कोरोना वायरस का कहर फिर से बढ़ने लगा। इसी बीच सरकार की तरफ से बयान निकल के सामने आ चुका है कि इस बार आपकी बोर्ड की परीक्षा निश्चित तौर पर करवाई जाएगी, किसी भी हाल में रद्द नहीं की जाएगी। ये सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इसी बीच सरकार की तरफ से सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड की परीक्षा 8 मार्च से शुरू कर दी जाएगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने, आप सभी की डेट शीट भी सामने आ चुकी है। 8 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा बात करें बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड की आपकी चॉइस प्रवेश से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। ये वहां के शिक्षा मंत्री ने ये बात डिक्लेयर कर दी। इसके अलावा बात करें सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसके 1 या 2 दिन के अंदर ही आप सभी की डेट शीट है वो जारी कर दी जाएगी। और सीबीएसई का कहना है कि हम फरवरी के एंड में आप सभी की परीक्षा आयोजित करा देंगे और जनवरी माह के अंदर आप सभी के प्री बोर्ड एग्जाम भी लिए जाएंगे, ये सीबीएसई की तरफ से क्लियर कर देंगे। इसके अलावा बात करें राजस्थान बोर्ड की, तो यहाँ पे 24 अप्रैल से परीक्षा स्टार्ट होगी राजस्थान बोर्ड की तरफ से। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे गुजरात बोर्ड की, तो गुजरात बोर्ड की है वो 8 मार्च से परीक्षा स्टार्ट होने को लेकर भी अभी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। और इसके अलावा अन्य बोर्डों से जुड़ी भी ये खबर निकल के सामने, हिमाचल बोर्ड की परीक्षाएं आप सभी के इस बार 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, ये सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दी गए। इसी प्रकार से सभी राज्यों की डेट शीट लगभग सामने आ चुकी है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप सभी लाल इस पर क्या राय है, क्या डेट शीट जो जारी की है सरकार ने इस पर आप ये परीक्षा समय पर कराना चाहते हो या फिर इसको आगे कराना चाहते हो, इस पर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।